नमस्कार स्वाति जी, गुड इवनिंग। जैसे आपने सही फरमाया कि एसेट एलोकेशन एक बुनियाद होती है एक पोर्टफोलियो की। ये क्यों होता है? क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तीन पहलू होते हैं, तीन सब डिसीजंस होते हैं। तो तीन डिसीजंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि मुझे एक घर खरीदना है, एक फ्लैट खरीदना है, तो इस ये निर्णय तो एक निर्णय लगता है, देखने में सिर्फ एक ही निर्णय है, बट एक्चुअली इसमें तीन छोटे निर्णय छुपे हुए हैं। वो कौन से तीन छिन्न निर्णय है? एक तो आपने रियल एस्टेट खरीदना है, एसेट कौन सी खरीदनी है, वो एक पहला निर्णय हो गया, सब डिसीजन। दूसरा, कौन से बिल्डर का कौन सी एरिया में आपको फ्लैट खरीदना है, कौन से टावर में, कौन से फ्लोर पे, उसको कहते हैं सिक्योरिटी सिलेक्शन। पहले तो एसेट सिलेक्शन, सेकेंड पार्ट ऑफ द डिसीजन इज सिक्योरिटी सिलेक्शन। तीसरा जो निर्णय है, ऐसा भी कर सकते थे कि आप 6 महीने बाद खरीदें या 1 साल पहले खरीद चुके होते, तो वो है टाइमिंग का डिसीजन। सो एवरी डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, हैज थ्री सब डिसीजंस। जो पहला निर्णय है रियल एस्टेट ही खरीदना है, वो बहुत जल्दी से ले लेता है इंसान, बोलता है कि यार मुझे घर ही खरीदना है इस पैसे से। वो निर्णय लेने के लिए 30 सेकंड में काम कर लेता है। फिर जब वो सिक्योरिटी सेलेक्ट करने जाता है, तो हफ्तों दर हफ्तों घर घर बहुत सारे घर देख के फिर चुनाव करता है। एसेट एलोकेशन डिसीजन से ही आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न आधारित होती है 99%, 93%। तो एसेट एलोकेशन डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिक्योरिटी सिलेक्शन। टाइमिंग का जो डिसीजन है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, बट निवेशक उस पर सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, सिक्योरिटी सिलेक्शन में उसके बाद। और एसेट एलोकेशन का निर्णय लेने के लिए 1 मिनट में वो निर्णय ले लेता है कि स्टॉक ही खरीदना है, बॉन्ड्स ही खरीदने हैं, रियल एस्टेट ही खरीदना है, सोना खरीदना है। वो ये जो एसेट एलोकेशन का डिसीजन है, दैट विल डिसाइड 90% ऑफ द फेट ऑफ योर मनी इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दैट सब डिसीजन व्हिच अन इन्वेस्टर स्पेंड्स वेरी लिटिल टाइम ऑन।